के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रेम नहीं करता, वो जो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबको एक बराबर देखता है, उस परमेश्वर के अधीन में हम नई बातों को सीखेंगे। आज का जो बाइबल में से वचन है, वो जो मैं निकाल कर आज जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होता है कुलुसियों की किताब, नए नियम में कुलुसियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय और आठवां वचन। ये उस विषय में है जहां पर क्या कहना चाहिए आपका, हम इस संसार में रहते समय बहुत सारी ऐसी बातों से होकर गुजरते हैं जिसमें हमको समझ में नहीं आता। विशेषकर आज का जो विषय है वो सबके लिए तो है, लेकिन विशेष उनके लिए जो मसीह में बड़े हुए हैं, विश्वास में बड़े हुए हैं, और उसमें स्पेशल चीज जो चीज है वो जो मसीह के शिक्षा में गलत रीति से कलीसिया, चर्च, मंदिर, ग्रुप, मसीह लोगों को सिखाया गया, उस गलत फहमी के कारण बहुत सारी बातें कैसी हो गई हैं, परमेश्वर की ओर से जो होना चाहिए वैसा ना होकर संसार का जो ईश्वर, देखिए संसार का एक ईश्वर है और परमेश्वर है, संसार के ईश्वर है और एक परमेश्वर है। संसार में जिसे परमेश्वर ने ईश्वर ठहराया वो नहीं है, लेकिन कुछ और है। तो आज हम जो देखेंगे वह कुलुसियों, कुलुसियों नए नियम के कुछ किताबों के, नए नियम में पौलुस के द्वारा से लिखी हुई किताबों से संबंधित है। कुलुसियों 2 उसका 8 से पढ़ूंगा, कुलुसियंस 2:8। ये विषय नहीं है, ये विषय में प्रवेश करने का जरिया है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें कुलुसियंस 2:8, कुलुसियों 2:8, चौकस रहो जब कभी भी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के दास के द्वारा चौकसी की बात करता है तो वहां पर खतरा है। चौकस इसीलिए रहना है कि हम कई बार कुछ टर्म्स को गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। चौकस रहो कि कोई मतलब पास्टर हो, प्रॉफिट हो, बिशप हो, या कोई प्रभु का दास के नाम से हो, या कोई पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, फादर हो, कोई भी हो, बौद्ध का हो, गुरुद्वारे का हो, क्रिश्चियन का हो, कोई भी, यहां तक कि ऊपर से उतरा हुआ स्वर्गदूत जैसा दिखने वाला ब्राइट प्राणी, मैं करुबियम हूं, मैं सेराफियम हूं, ऐसे बोलने वाला भी, कोई भी अगर इस ज्ञान, क्योंकि क्यों 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 वाई वाई क्योंकि जो ज्ञान हम हासिल करते हैं वही हम बनते हैं। आत्मा की दुनिया में बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो हमको पता नहीं होता कि ये सही है कि गलत है, इसलिए हमको यहां पर प्रभु का दास एक चिट्ठी के द्वारा, कुलुसियों को लिखी गई चिट्ठी में इस बात को मेंशन करता है, और जो उस समय भी और अभी के लिए भी लागू होता है। वो क्या है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के और व्यर्थ धोखे में, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना
अहेर किसी कुछ पूछना है क्या? कोई हैंड रेस किया है? कुछ पूछने का है? तो हाँ, तो यहां पर क्या हुआ? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के द्वारा, उस तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान क्या है? इस संसार में एक पुराना ज्ञान है, पुराना ज्ञान जो हम लोगों के लिए बहुत अद्भुत दिखता है। ज्ञान हमेशा या तो आपको सही करेगा या गलत करेगा। अभी मान लीजिए एक बात के लिए, ये एक बम है और इसमें दो तार निकले हुए हैं, ठीक है। ये जो दो तार निकले हैं, अगर जिसको इस तार को पता है कि ये तार किस चीज में काम आता है, तब वो अगर उसे काटेगा तो बम रुकेगा, अगर गलत तार को काट दिया तो बम फट जाएगा। अब ज्ञान जरूरी हो गया। अगर गलत ज्ञान हो गया तो जैसा ये बम फट सकता है, हमारी आत्मा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जब मरता है तो शरीर को छोड़ देता है, लेकिन कुछ तो जाता है उसके साथ। कारण शरीर जाता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जाता है ना, और उसके बाद उसके साथ में कॉन्शियसनेस जाता है, और उसके बाद वो वहां पर पहुंचकर उसके साथ में उसके जो भी सोच है, कर्म है, वो सब उसके साथ में याद के इस रीति से चले जाते हैं। जो छूटता है वो शरीर है। शरीर गया तो कोई बात नहीं, इससे हमको समझ में आता है कि संसार में हम तो हमेशा जिंदा हैं, लेकिन यदि हमारा शरीर गया तो उतना नुकसान नहीं है, अगर हमारा आत्मा अगर गया तो बहुत नुकसान। तो अब बम क्या करेगा? आत्मा को तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। बम जो है आत्मा के लिए कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो बम क्या कर सकता? आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एक कहानी, एक कहावत है, ठीक है। वो कहावत ऐसा है कि उसमें ये कहा जाता है सनातन धर्म में, ठीक है, उसमें बोला जाता है कि नयनं चिंदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक न चैन क्लेदियो पापो न शोष्यति मारुतः। मतलब किसी भी आत्मा किसी भी हिसाब से ना आग के द्वारा, ना भेदे जाने के द्वारा, ना किसी और चीज के द्वारा से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा ज्ञान की कमी अगर हुआ तो ये आत्मा नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नाश वाले जगह जा सकता है। बाहर से मैं अगर कुछ पहन लूं और बाहर से अगर गोली चले तो चलेगा, मेरे को अटैक नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही मैं सड़ जाऊं तो ये बाहर वाला क्या करेगा? जो व्यक्ति को कैंसर हो गया मान लीजिए, उसको आप पूरा शस्त्र का सब पहना दीजिए, शील्ड पहना दीजिए और उसको खड़ा कर दीजिए, गोली पूरा सह के आएगा लेकिन अगले दिन मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से खत्म हो रहा है। हम हमेशा अंदर की बात को बहुत महत्व देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इस बात के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। क्या चीज के लिए खुश हो जाते हैं, किस बात के लिए खुश हो जाते हैं? भैया नयनं चिंदन्ति शस्त्राणि और नयनं दहति पावक है, ना आग से ना शस्त्र से हम खुश हो गए, बाहर की चीजों से तो हम बच गए हैं, हमारी आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। न चैन क्ले दत्य
पाप न पापो न शोषयति मारुतः है। तो हवा से भी नहीं, पानी से भी नहीं, आग से भी नहीं, ये सब छे सही है, लेकिन गलत ज्ञान से नाश हो सकता है। यहां पर पौलुस बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस बात के लिए खुश मत हो जाना मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी, क्योंकि असली में सबसे बड़ा श्राप वही है कि आपकी आत्मा नहीं मरेगी। बड़ा श्राप है। कब श्राप है ये? तब जब आपके पास आपका जो ज्ञान मार्ग है, आपका जो भक्ति मार्ग है, आपका जो विश्वास मार्ग है, ये गड़बड़ हो। अगर आपने एक ओला ड्राइवर को बुला सोचकर, ओला तो लिखा है लेकिन उसके अंदर का ड्राइवर जो बैठा हुआ ओला का नहीं है, सपोज एक बात के लिए ओला की बात नहीं कर रहा, वो और ओला का नहीं है, तो आप उसमें अगर बैठ गए तो आपने गलत ट्रैक पर, गलत आदमी पर, गलत गाड़ी पर विश्वास किया। विश्वास आपको अब धोखा देने वाला है, वो ड्राइवर अभी धोखा देने वाला है, एक इंसान धोखा देने वाला है। आपके पास जो ऐप था वो असली वाला नहीं, नकली वाला ऐप में से आपने कर दिया, वो ऐप अभी आपको धोखा देने वाला है। तो बहुत सारी बातें जो संसार का ईश्वर है वो ऐसा बोलकर दिखाता है लोगों को, देखो तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ नहीं होने वाला, और हमें ताकतवर दिखाता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। भैया अगर कल तुमको 2 रुपया देना है और आज तुम्हारे पास ना हो तो तुम घबरा जाते हो। तो जो कल की बातों के लिए चिंता करके बैठे हुए व्यक्ति को यदि तुम ये सिखाओ कि तुम्हारी आत्मा मजबूत है, तुम्हारी आत्मा का कुछ नहीं होगा, भैया बाहर से नहीं होगा, लेकिन मैं तो अपनी आत्मा को बिगाड़ सकता हूं, मैं गलत विश्वास कर सकता हूं। अगर ये बातें, अगर विश्वास की बात अगर नहीं होती, ठीक है, भरोसा करने वाली बातें अगर आत्मा में नहीं होती तो धर्म नामक चीज भी नहीं होती। तो धर्म की बातों में बहुत अच्छे से तो बता दिया कि आत्मा का कोई वो बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ये बताना या तो भूल गया, किसी ने कोई भूल गया, या तो जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि बताने पर आपका ज्ञान खुल जाएगा, असली ज्ञान खुल जाएगा। इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। तत्व मतलब एनी नॉलेज अबाउट द मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये मत समझिए कि ये पेन का मटेरियल, ऐसा नहीं। आत्मा इट्सेल्फ इज ए सब्सटेंस, आत्मिक स्पिरिचुअल मटेरियल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिलीजियस थिंग, बिलीफ सिस्टम, डॉक्ट्रिन्स, रिलीजियोसिटी, नॉलेज, फिलॉसफी, बहुत सारी बातें। अब यहां पॉलुस बोलता है, मेरे सब्जेक्ट नहीं है, फिर से बता रहा हूं, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चौकस हमें क्यों रहना। तो बोलता है, चौकस रहो लोगों, तुम जो आत्मा ईश्वर को मानते हो, ठीक, ईश्वर की दुनिया को पसंद करते हो, हम अच्छे लोग हैं, हम शैतान के बारे में समझते हैं, बहुत सारे लोग शैतान के बारे में समझते भी नहीं हैं, हम शैतान के बारे में समझते हैं। अब उसके बाद यहां बोलता है कि चौकस रहो, कि कुलुसियों 2:8 पढ़ रहा हूं, चौकस रहो रहने वाली बात है, मतलब तुम पर कोई भी कभी भी हमला कर सकता है शब्दों के गुरु बनकर या तुमको बहला फुसला कर। जब देखिए, जब एक जादूगर आता है या हाथ की सफाई वाला इंसान आता है, वो क्या करता है, आपके हाथ का घड़ी को अगर उसको निकालना है या आपका टाई को निकालना है तो क्या करेगा, उसका हाथ जरूर यहां पर फट से जाएगा लेकिन आपका ध्यान भटकाएगा। ध्यान भटकाने का जो फलसफा है, फिलॉसफी है, ये आत्मा की दुनिया में बहुत होता है। अभी आप सिंगापुर में गए हैं या आप किसी स्टेशन में खड़े हैं, आप अगर आपके आंख के सामने में सूटकेस को रखे हैं
और आपका ध्यान भटका दिया जाए, उतने भीड़ के बीच में आपका सूट किसको लेके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भटका दिया गया है। वैसा ही जो ध्यान को भटकाया, इसका मतलब है कि आपको सही वक्त में क्या ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी कभी भी कभी भी क्या कोई चीज बोलकर आती है कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं? बोलकर नहीं आती। वैसे इधर में क्या है, ज्ञान ध्यान को भटकाएगा, फिर गलत ज्ञान मतलब क्या करेगा, आपके अंदर के इमोशन को जागृत, या तो बोलेगा गरीब सर मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, दूसरा आदमी यहां खड़ा आपको सुटके से लेने के लिए, आप कौन हो वो जान लेगा और जानकारी के अनुसार आपकी इमोशन, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, आप बड़े दुखी होंगे, आप बड़े परेशान होंगे, उसके लिए आप उसको मदद करना चाहेंगे, जब मदद कर चुके रहेंगे वो भी जा चुका रहेगा, नीचे देंगे आपको सूटकेस भी जा चुका रहेगा, आपके हाथों का घड़ी जो है वो भी जा चुका रहेगा, आपके हाथों से आपका ध्यान को और ज्ञान को अगर भटका दिया गया, ध्यान भटकाने पर हाथों से छीन ले निकाल लेगा पता नहीं चलेगा, गले से टाई उतार देगा पता नहीं चलेगा, बेल्ट को उतार देगा अक्षय कुमार पता नहीं चलता है, अक्षय कुमार बेल्ट उतार लेता है पता नहीं चलता है, आपके जूते को निकाल लेता है आपको पता नहीं चलता है, आपकी घड़ी को लेने के बाद वो था आपकी घड़ी है ये कहां चला गया, आपके सामने जिंदा रहते हुए, ये तो आत्मा की बात है, तो कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो आंखों देखी हाल में आपके जिंदा अवस्था में आपके सामने आपके हाथों से छीन कर ले जा रहा है पता नहीं चलता, तो आत्मा में हमको तो बहुत कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए बड़े बड़े बाबा साधु संत और ये वो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और वैसे ही कलिसिया के अंदर, कलिसिया का मतलब होता है जो चर्च, चर्च का जो क्रॉस लगा हुआ रहता है ना, वैसा चर्च के बिल्डिंग के अंदर में प्रचार के नाम से, चंगाई चमत्कार के नाम से, प्रोफेसी के नाम से आप आत्मा में भटकाने वाले आ चुके हैं। अब उसमें क्या चीज ऐसा कर दिए होंगे कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी हम पहचान नहीं पाते हैं, कुछ तो करते होंगे, कुछ तो होता होगा। यहां फिर से हम उस वचन में आते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान जो इस संसार के बनने से पहले, बनते समय और बनने के बाद है, तत्व का ज्ञान, ठीक है। अब उसका मैं एक वर्जन इंग्लिश में निकाल कर देखता हूं उसमें क्या लिखता है, कोलोसियों, कोलातियों, फिलिपियों, थिस्सलुनीकियों, क्या बोलता है वो, वहां पर तत्व ज्ञान को, तत्व को क्या बोल रहा है, 2:8 बोलता है, डिसेप्टिव फिलोसी टू इट दैट नो वन टेक्स यू कैप्टिव थ्रू हॉलो एंड डिसेप्टिव फिलोसॉफी विच डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन ट्रेडिशंस एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस वर्ल्ड रैदर देन ऑन क्राइस्ट। अब कितनी बड़ी बात है जो हम लोग यहां उजागर करने वाले हैं। क्या बोलता है, फिर से पढ़ रहा हूं, यहां पर हिंदी में क्या लिखा, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, अहेर बनाना मतलब जैसे जाल बिछाकर जब पक्षी को पकड़ा जाता है तो पक्षी को पकड़ने वाला उसको अहेर बनाता है, ठीक है, वैसा ही जाल बिछाना एक ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो कि डिसेप्टिव ज्ञान है, हॉलो है, वो एक जाल है जो संसार में ऑलरेडी बिछाया जा चुका है, ठीक है। तो मनुष्य जो क्या है, अहेर ना बना ले, जो कैसा है वो, मनुष्यों की परंपराओं,
मतलब आज का दिन में स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र में आपको फुल मून जब रहेगा तो आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा। अच्छा ऐसा है क्या? फायदा का नाम सुनते ही हम लोग तुरंत उस टाइम में कहूँ कब है पंडित जी? 7:11। अच्छा, ठीक है, हम उस दिन में आप सफेद शक्कर और ब्राउन रा शुगर ये दोनों को आप खिलाइए और आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है, खिलाने से सबका। लेकिन जब आप इस चक्कर में खिलाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्ञान में फिसल रहे हैं। अब क्या हुआ इधर? बोलता परंपराओं और संसार, जो मनुष्यों की परंपरा, हम लोग किस बात का घमंड करते हैं? नहीं, हमारे परंपरा में कस्टम्स हैं, सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। ट्रेडिशंस का मतलब होता है जो मनुष्य के साथ ट्रेड करता हुआ अब तक पहुंचा है। ट्रेडिशन प्लस इमोशन को मिलाकर व्यापार संसार का ईश्वर आपके साथ कर रहा है। ट्रेड एंड इमोशंस, ट्रेडिशंस बना रहा है। तो क्या बोलता है घर में? मैं तो ऐसे जोड़कर बता रहा हूं, वो नहीं है, जोड़कर बता रहा हूं कि क्या है, हमारे साथ में इमोशंस के साथ खेला जाना। यहां बोलता है जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा, मसीह क्यों आदि, क्यों ये जो यीशु को जानने वाले लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, जो पुत्र के द्वारा से उद्धार की, सेल्वेशन, मोक्ष की बात सोचते हैं, वो क्यों इन परंपराओं में नहीं पढ़ना चाहिए? इन आदि शिक्षा, इसका मतलब क्या हुआ? सनातन शिक्षा। अब यहां बोलता है कि आदि शिक्षा के अनुसार तो है, किसके अनुसार से ये शिक्षा? आदि शिक्षा के अनुसार तो है, वो शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन उसका अंजाम जो पहुंचेगा वो गलत है। यहां क्या बोलता है उसके बाद? आदि जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा तो है, शिक्षा तो है, आदि शिक्षा तो है, परमेश्वर ने इसे अवॉइड क्यों किया? व्हाई? क्या वो गलत है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या बोलता है? एक नया कानून आया, मान लीजिए वो कानून बोलता है जो सामने में गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहा है उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा, अब पीछे में बैठा वाला भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपए का फाइन लगेगा। आप ये नियम लागू होने के बाद आप रोड में चल रहे हैं, अब आप पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, बोलेगा भैया फाइन लगेगा तुमको। क्यों? कल तक तो नहीं लगा, आज क्यों लगेगा? मैं नहीं दूंगा, गाड़ी सीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून आ चुका है। थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड, नाउ द ओल्डर पॉलिसी एंड द ओल्डर थिंग्स इज नॉट वैलिड। परमेश्वर ने आदि शिक्षा में, अगर अगर कोई ऐसा बोले, अरे क्या भाई साहब क्या बात करते हो, हमारे जमाने में हेलमेट तो हुए नहीं करते थे, हम तो हेलमेट कभी पहनते ही नहीं थे, तो तुम्हारे पास फास्ट चलने वाली गाड़ियां कब थी? दुक 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 बोड़ 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 ऐसी वाली गाड़ी, तो उसको देख के वैसे ही हट जाते थे लोग। आजकल जो गाड़ियां आती है आवाज ही नहीं करता है, हेलमेट पहन ले, आवाज ही नहीं करता, इलेक्ट्रिक में तो कुछ भी पता भी नहीं चलता, हेलमेट पहन ले, कार में भी हो गया है, हेलमेट पहन ले, नियम बदल चुका है। अब वो तुम्हारी शिक्षा सही है कि गलत थी? उस समय के लिए तुम्हारी गाड़ी के हिसाब से सही थी, अब के लिए सही नहीं है। तो वो जो शिक्षा को तुम ला करके इस पुलिस वाले को, तुम बूढ़े हो, मैं बुजुर्ग हूं, और मैं जो बोलूंगा वो गलत नहीं है, क्यों भाई साहब? 1978 में, 1994 में, अरे 2000 में हम लोग कहां ये सब चीज का ध्यान रखा करते थे? तो उस समय के लोग बेवकूफ थे, तो क्या अब भी हम बेवकूफ रहे?
क्योंकि अब समय निकट आ रहा है, संसार खत्म होने के कगार पर आ रहा है, अब चीजें बदलेंगी। आत्मा की दुनिया में उस समय में तुमको पता नहीं था, वो जो उस समय में जो थे उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बसते चले जा रहे थे। अब रूल बदल चुका है। अगर उन्हीं की शिक्षा में से एक शिक्षा को लेकर हम ऐसा फेंकते हैं, चलो देखते हैं, उसमें ऐसा देखते हैं कि पुत्र के द्वारा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये शिक्षा है। ठीक है, सनातन धर्म में पुत्र के द्वारा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो लोग क्या करने लगे, उनकी समझ में पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐसा करके क्या क्या होने लग गया, लड़कियों का अबॉर्शन होने लग गया, एक अलग धंधा चालू हो गया जिसमें स्कैनिंग करके लोग कई साल पैसा कमाए, अरे बहू को इसकी हटा करके, अरे इसको तो सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, हमको तो लड़का चाहिए, हमको तो तरना है, लड़का तारता है, लड़का भव सागर को पार कराता है, पुत्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बोलकर क्या हम गलत फहमी में नहीं है? परमेश्वर क्या बोल रहा, पुत्र का मतलब है संसार के पूरे संसार को एक पुत्र दिया गया, वन सन, और वो परमेश्वर का पुत्र। और हमने क्या समझा, ज्ञान की कमी कितनी बड़े एक रैकेट को पैदा कर देता है, स्कैनिंग की दुकानें खुल गई। फिर एक नियम आया एक दिन, अब से अभी क्या हो गया, हरियाणा में लड़के 60 है, लड़कियां 40 है, सब लोग शादी होना है, शादी होना है, शादी होना, क्योंकि तुमको तो लड़के चाहिए, अब लो बेटा सिर्फ लड़के लड़के शादी कर लेंगे तो पुत्र कहां से होगा, अब तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो तुम तो नरक के भागीदार हो गया अभी तो तुम्हारे हिसाब से तुमने पुत्र 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 के चक्कर में लड़कियों को निकाल कर फेंक कर खत्म करके तुमने जो बैलेंस को बिगाड़ा, अब तुम्हारी मोक्ष कहां चला गया, पुत्र तो है लेकिन अब उसका पुत्र कैसा होगा भैया, वो हजारों लोग बिना शादी के हैं, उसको पुत्र कहां से होगा, अब उसका मोक्ष कहां से मिलेगा, फिर क्या इतना अधूरा गेम परमेश्वर खेलेगा, इतना व्यर्थ की और फालतू की बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसका जो नियम है वो, उसकी जो पॉलिसी है वो सर्वसिद्ध परफेक्ट पॉलिसी है। तो उसने बोला परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अर्थात उसके शब्द को भेजा, ऐसा बोल दिया। तो ये ज्ञान देखिए, ये ज्ञान हमें क्या बिगाड़ा, बहुत सारे लोग को रईस बनाया लेकिन उनके पाप को बढ़ाता चला गया, मर्डर के ऊपर मर्डर के ऊपर मर्डर के ऊपर मर्डर के ऊपर। फिर ये जो डॉक्टर जो मर्डर का कारण बना, उसके खानदान में जब आशीषें आने वाली होंगी तो उन लोग लूले लंगड़े ये सब जब पैदा होकर आएंगे तो ये डॉक्टर तो कमा लिया, लेकिन असल में होने क्या वाला है, खुद की जिंदगी में श्राप और लोगों के लिए श्राप, परिवार के लिए श्राप, देश के लिए श्राप। तभी तो एक कानून आया कि भैया तुम लिंग टेस्ट वाला कोई भी स्कैनिंग नहीं कर सकते, आया ना कानून, अब क्या तुम कर सकते हो, नहीं। तो गलत ज्ञान क्या है, कुछ पुरानी बातें जो शैतान ने सच्चाई को बताया होगा, भैया ये काला है, ये सच्चाई है, ये काला है। कितने सारे लोग ना, कुछ कुछ मैं मतलब मैं किसी को आहत करना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात को समझाने के लिए बताता हूं। जैन के मंदिर के अंदर में आप चमड़ा काला कोई भी सामान चमड़ा जूते में बेल्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है, नहीं ना, उसको अलाउड नहीं है, काला अलाउड नहीं है, चमड़ा अलाउड नहीं है, लेकिन हम खुद सब चमड़े हैं, हम परमेश्वर की निगाह में ये चूनी फिरी हुई भीत, ये एक कब्र है जिसके अंदर मरी हुई आत्मा रहती है। मरी हुई आत्मा का मतलब नैनन चिंदन थी शस्त्राणी वाली बात नहीं, मरी हुई आत्मा मतलब जो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता,
इस कब्र में इस शरीर के चमड़े को लेकर जाते हो। ठीक है भैया, इसको तो चमड़ा मत मानो, मैं चमड़ा तो है ही। अरे क्या हो गया, चमड़े में लगा क्या, स्किन में लगा, स्किन मतलब चमड़ा, उसको मरा हुआ बोलते हैं, तो मैं तो इसको ही मरा हुआ बोलता हूं। क्यों? क्योंकि रोज मरता है, आज जो है कल इस सेल्स में से वो बदलता है, हर दिन बदलता है, तो आज जो है वो कल नहीं रहेगा, मतलब मर गया। अब सेकेंड टाइम काला नहीं ले जा सकते, भैया तो ये बाल क्या है, जिस चीज को हम इतना नफरत करते, काला नहीं होना चाहिए, काला ये नहीं, तो तुम्हारे सिर में परमेश्वर ने काले को रखा और उसको ही तुम, अरे हमारा उस काला से अपशगुन होता है, हैं? ये क्या है, ये कहां का फिलोसफी है, सर में लेके घूम रहे हो रोज काले को, रोज जब सफेद हो जाता तो अरे भैया सफेद हो जाता तो सफेद रहने दो ना, अच्छा है ना, लेकिन फिर उसको काला क्यों करते हो अगर वो अच्छा नहीं है तो? तुम्हारे मन के लिए काला चाहिए क्योंकि वो अच्छा दिखता है तो शुभ है, नहीं तो अशुभ है, इसको बोलते हैं गलत ज्ञान, चीजों का ना समझना। अगर परमेश्वर ने इस काले को इतना तुच्छ और इतना नीच रखा होता तो आपके सिर में नहीं रखा होता। बाल आपकी महिमा, जिसके बाल नहीं होता ना उनसे जाकर पूछिए, भैया वो तड़पते हैं, 40-40, 50-50, दो दो 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं बाल के लिए, और जो बूढ़ी आंटियां होती हैं ना, बूढ़े अंकल होते हैं ना, या मैं हूं, मैं भी सफेद होने के बाद, मैं क्या आपके देखिए कुछ दिनों पहले सफेद था, आप क्या देखो काला काला दिख रहा, क्या काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये काले को इतना तुच्छ जानकर बैठते हैं, लेकिन यहां हमको काला चाहिए। एक दिन भी अगर कोई एक लड़की को अगर एक बाल सफेद मिल जाए तो क्या करेगी, परेशान हो जाए, मेरा बाल सफेद हो रहा है, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या क्या करूं, नॉलेज, मैं इसको उस बात की तरफ नहीं जा रहा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है नॉलेज, ये जो ज्ञान है जो गलत तरीके से हमारे साथ महिमा लेकर चलने वाला, ये जो काला रंग उसको तुच्छ ना जान। शैतान काला करके मत सोच, क्योंकि शैतान सबसे गोरा है, लाइट से भरा हुआ है, उसकी कई प्रकृति है, कई बातें हैं, और सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। जैसे मैंने बताया, पुत्र की प्राप्ति आपको खुश करता है, जबकि असली खुशी लड़कियां देती है, पुत्र तो देते ही हैं। क्यों लड़कियां देती हैं? पुत्र का मतलब क्या हुआ, पुत्र तुम पैदा करोगे तो किसी घर को संभालने के लिए, अपना घर संभालेगा, लड़कियां जो है वो क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारी बेटी जो है वो वहां रह के भी यहां की चिंता करेगी, लड़का भी चिंता करेगा, उसमें बात नहीं है, यहां बात है गलत ज्ञान की, लड़का लड़की दोनों एक है, गलत ज्ञान, बस उसका नॉलेज का गलत होना। कैसे, एक सास अपने दामाद को तो बहुत प्यार करेगी, लेकिन अपने बेटे से नफरत इसीलिए करेगी यदि वो अब उसका बेटा उसे अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो एक सास क्या करती है, एक मां क्या करती है, अपने बेटे से प्रेम करती है, प्रेम नहीं करती, क्योंकि तब तक प्रेम करे तब तो शादी नहीं हुआ, शादी होते ही अरे मेरा बेटा तो पूरा बदल गया है, अरे तुमने पैदा ही इसलिए किया, कि संसार में महत्वपूर्ण कौन है मालूम है, लड़कियां महत्वपूर्ण है, क्यों, प्रभु ने ऐसा बोला, बिल्कुल बोला, यीशु क्या के लिए आया, कलीसिया के लिए आया, देह के लिए आया, और वो सिर है, आदमी को क्या बोला जाता है, परिवार का हेड बोला जाता है, सिर बोला जाता है, और उसकी देह कौन है असली वाली, शादी होने के बाद उसकी पत्नी तो अपने देह से प्रेम नहीं करेगा, फिर तुमको क्यों बदल गया लगता है भाई, वो बदलना ही चाहिए, उसको प्रेम नहीं रखेगा तो तुम्हारी शिक्षा में गलती है, प्रेम रखना ही चाहिए या तुम में गलती है। परमेश्वर ने कहा विवाह में और कलीसिया और प्रभु में एक बड़ा रहस्य है, ठीक है, चलिए हम वहां पर नहीं जाते, यह सिर्फ मेरे को बोलने का था।
अब यहां पर बोलता है संसार की आदि शिक्षा के अनुसार से तो आदि शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपकी आत्मा के मोक्ष से संबंधित जब प्रभु परमेश्वर का पुत्र संसार में आ गया उसके बाद उस पुरानी बातों का वैल्यू है, लेकिन सच भी है, लेकिन अब वो उपयोग में नहीं आएगा क्योंकि पुत्र का आने का मकसद अब जो भी था वो मोक्ष से संबंधित था, अब उसकी बातें चलनी चाहिए। और ये जो क्रिश्चियन यही उसको पुत्र मानते हैं, अरे भैया सबसे बड़ा धांधली इन्हीं के अंदर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के दुनिया के सबसे बड़े गलतियों को करके बैठ रहे हैं, सही चीजों को नहीं समझ रहे। अब एक पौल, ये जो पौलुस है वो कुलसियों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? कौन है ये लोग? ये मसीह में जानकर मसीह में आ चुके लोग हैं। जब ये आ चुके हैं अब इनको पुराना ज्ञान है इनके पास में, वो जानते हैं, परंपरा जानते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में उनको पता है, नक्षत्रों के बारे में पता है, आज अमावस्या है, कल अष्टमी है, फिर नवमी है, फिर दशमी है, और ये है, सब पता है। लेकिन वो संसार और शरीर तक सीमित था जिस प्रकार से आग न लगे उनको, लेकिन अंदर का कैंसर, अंदर का डेथ, अंदर की मृत्यु से सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही आपको चंगा कर सकता है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं अंदर की बात करता हूं तब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, अरे सनातन धर्म के अंदर में बहुत अच्छी बात क्या है मालूम है? कि वो अंदर में झांको, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, वहां तो लेके चले गए। लेकिन यदि तुम्हारे घर में, ठीक है एक बात बता दो, तुम्हारा पप्पा तुम्हारे घर में आ गया और तुम फोटो में जाकर के खाना चढ़ा रहे हो, तो फोटो तृप्त हो जाएगा कि पप्पा तृप्त हो जाएगा? वैसा ही ईश्वर के नाम से आपके अंदर में अगर ईश्वर है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम है। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो मसीहों की रीति से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आपके अंदर में ईश्वर का अगर वास है तो आपके जबान में, आपके एक्शन में नक्षत्र सामान और चीजों पर नहीं आत्मा पर ध्यान जाएगा। कैसे? जब कभी भी आप ईश्वर बोलकर नारियल और फूल और अगरबत्ती और चीजें और बाइबल को भी, या अगरबत्ती या फिर लाइटिंग को ऐसा करते हैं जो चर्च में, या पूर्व माला पहनाते यीशु को या मरियम को या कुछ भी, जो भी आप करते हैं अंदर में अगर ईश्वर है तो आप ईश्वर कौन है? अब आपसे पूछेंगे ईश्वर कौन है तो बोलेगा ईश्वर तो आत्मा है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आत्मिक बातों पर। तो आपका ध्यान सांसारिक बातों में क्यों है? आप नारियल फोड़कर ईश्वर को खुश क्यों कर रहे हैं जबकि वो तो आत्मा है? तो आत्मा में नारियल जो फोड़ना चाहिए था वो कहां है? आत्मा में जो नारियल फोड़ना है आप उसमें जाकर क्या करते हैं? मूर्तियों में सामने जाकर उसके सामने नारियल फोड़ते हैं और पान का पत्ता देते हैं और केला देते हैं, उसमें आधा टुकड़ा आधा नर लेकर के आते हैं और उसे प्रसाद कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आत्मा में शरीर की बातें, संसार की बातें, मेटेरियल बातें कैसे काम कर गई, कैसे काम कर रही हैं? क्या नारियल की भी आत्मा होती है? क्या केले की भी आत्मा होती है? अगर केले की आत्मा है बोलते हो, अगर नारियल की आत्मा है बोलते हो, तो फिर जो जानवर काट कर खाते हैं उसको जब पापी बोलते हैं तो हम और आप जो नारियल और केला खाते हैं वो भी पापी ठहरेंगे। तो या तो उसमें आत्मा है तो हम पापी ठहरेंगे, या आत्मा नहीं है तो आत्मा ग्रहण कैसे करता है? हाउ डज ए स्पिरिट रिसीव विच इज मटीरियल, वेयर एज ओनली स्पिरिचुअल स्पिरिट थिंग्स शुड बी गिवन द स्पिरिट थिंग्स ओनली। परमेश्वर ने इसीलिए बोला गलत ज्ञान क्या बताता है? चलेगा। समय की पुरानी बातें जो आज लागू नहीं है, कल हेलमेट दो का नहीं था,
एक का था आज दो का है, अब कानून बदल चुका है, रोज फाइन लगेगा और एक दिन तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब इस संसार में इतना बड़ा नियम है तो आत्मा की दुनिया में कितना बड़ा नियम होता होगा। आत्मा का परमेश्वर आत्मा की बातों में आत्मिक तरीके से हमारी आत्मा की क्रियाओं को ग्रहण करेगा, हाथ की क्रियाओं को वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा का परमेश्वर है। तो यदि तुम्हारा फिलोसॉफी ये कहता है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो तुम्हारा ध्यान आत्मा की जगत का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। तो तुम जब सात चक्र भेदन करके आठवें में पहुंचने की कुंडली जागरण करके कोशिश करते हो, तो क्या कोशिश कर रहे हो? आत्मा के अंतर्गत चक्र को भेदन करते हुए कॉन्शियसनेस को, सोल को, स्पिरिट से जब तुम मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन तुम जब यहां पर करने की कोशिश करते हो, तो तुम आत्मा की बात कर रहे हो। लेकिन कैसा कोशिश कर रहे हो? अभी तो तुम एक मंदिर में जाकर या गिरजाघर में जाकर या किसी और जगह जाकर जब तुम संसार की बातों में आत्मा के सामने तुम झुकते हो, तो तुम्हारा झुकना ये नहीं वरन तुम्हारे आत्मा में परमेश्वर की बात को मानने में झुकना जरूरी था। जैसे अभी मस्जिद में जाते हैं, उन लोग झुकते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तुम्हारा देखना इधर उधर की बात नहीं है। भाइयों क्या करना चाहिए? तुम्हारी आत्मा परमेश्वर ने कहां कहां क्या क्या रखा है उसको ज्ञान को लेकर इसको मानूंगा, इसको मानूंगा, उसको मानूंगा, तेरा मानूंगा, ये तुम्हारे आत्मा में होना चाहिए था, लेकिन शरीर में हो रहा है। कुछ अल्लाह अकबर इसमें बोल के कॉन्शियसनेस में शब्दों को, सेंसेस को परमेश्वर सेंस के द्वारा, शब्दों के द्वारा काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा का शब्द जो संसार में उतर कर आया वो आवाज नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो सच को चुपचाप ग्रहण करता है। इस आधार पर, उस आधार पर नहीं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षे ममामृतात्। 100 बार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बार बोलने से नहीं, एक बार सच्चे आत्मा से, मन से भी नहीं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज स्पिरिट एंड योर स्पिरिट शुड बी अलाइव। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा, स्पिरिट और ट्रुथ, कोई भी फेक, कोई भी ज्ञान, फालतू का तत्व का तत्व आते ही, सनातन की बातें आते ही, पुरानी बातें आते ही क्यों वो काम नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर जब सेल्स को रोज नया बनाता है, आप बायोलॉजिकल डॉक्टर से जाकर, साइंटिस्ट जाकर पूछिए, Every cell is changed in this body. जब तुम्हें नया बनाता है तो तुम्हारी आत्मा को नया कितना और अधिक न बनाएगा, तो वो कितना नया है, क्योंकि आज कल और आज एक सा है बोला जाता है। तो तत्व आते ही पुराना, पुराना मतलब पहले का। सच है क्या? हो सकता है। गलत है क्या? हो सकता है। बट आई वॉन्ट एवरीथिंग इन दिस स्पिरिट, मेरी आत्मा आत्मा में होना है, मेरी आत्मा आत्मा में होना है, आत्मा में प्राप्त करना है। आत्मा में अगर प्राप्त नहीं किए तो तुमने बुद्धि में प्राप्त किया, कॉन्शियस में प्राप्त किया, मूलाधार से लेकर के स्वाधीनता तक पहुंच गए और सारे चक्र का भेदन हो गया, लेकिन सब संसार में छूटेगा जो आत्मा में तुम कमा रहे हो। आत्मा में केवल वही जाएगा क्योंकि इसका दोनों का स्थान है। अब यहां पर देखिए,
क्या बोलता है, हाँ आदि शिक्षा गलत है मत बोलिए, आदि शिक्षा अब लागू मोक्ष से संबंधित नहीं होगा क्योंकि पुत्र दिया गया है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है और वो तुम्हारा पुत्र जो सुसु करता है और जिसको धोना पड़ता है ये नहीं, वरन वो पुत्र जो स्वर्ग से उतर कर आया, इस सुसु वाले शरीर को छोड़ा और आत्मा वाले शरीर में आया और उसने आत्मिक शरीर को दिखाया और बोला मैं सदा काल के लिए मनुष्य होते हुए भी जिंदा हूं, मैं तुम्हारे लिए पुत्र बना। वो पुत्र जो आत्मा में है वही तुम्हें आत्मा में तार सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे देवता हैं जो पहाड़ उठा लेते हैं, बहुत सारे देवता जो शक्ति को दिखाते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, ऐसा दिखाते हैं। असली ताकत क्या है? यीशु ने दिखाया। असली ताकत क्या है? कितना भी मारो सत्य के लिए कभी उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए डिगना नहीं। जब उसे उकसाया गया तो वो चुप रहा। पुत्र क्या रहता है? स्वर्ग का है करके कैसे पता चलता है? क्योंकि वो मनुष्य की बातों से बहकता नहीं, मनुष्य की ताकत और मनुष्य की तरीकों से उसे बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। वेदों में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, हर जगह में, कोई ना कोई उपनिषद में और बाकी पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक मेमना, मेषबाल भगवानाय नमः, ओम श्री कन्नी सुताय नमः, जब बोलता है तो क्या यूं ही बोल दिया? क्योंकि सत्य तो है लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम उसको उल्टा करके मानेंगे या कुछ और बता देंगे क्योंकि हम अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। तो तत्व ज्ञान क्या कर रहा है यहां पर? सत्य को गलत समय में बता रहा है। मैं अपने बच्चों को बोलूंगा, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया सपोज, अब मैं अपने बच्चों को ऐसा बोलने वाला हूं, अच्छा बच्चों बाहर ना रहे, क्यों दो हेलमेट लेके जा रहे हो भाई? नहीं नहीं एक ही लगता है। जब वापस आएगा, पापा 1000 रुपए का फैन लग गया है। क्यों लग गया? क्योंकि मैंने गलत डायरेक्शन दिया। शरीर में तो फैन लगाकर बचा सकते हैं लेकिन आत्मा में, एक बार ये आत्मा शरीर से निकल गई और वहां पर ये जो पप्पा वाला गुरु अगर इस आत्मा की बातों में अगर गलत निर्णय दे दिया तो वहां जो फाइन भरना होगा वो फाइन भरने के लिए उसको जिंदगी अनंत काल लग जाएगा, फाइन भरता रहना पड़ेगा। लोग तो आकर के ये ना बोले अरे तुम क्या डराते हो क्या स्वर्ग और नरक की बात बताकर। तो भैया जब हम ये बोलते हैं कि फाइन लगने वाला है तो क्या हम डराते हैं क्या कि अरे हेलमेट पहन के जाओ नहीं तो फाइन लग जाएगा? हम डरा रहे हैं क्या? सत्य को बता रहे हैं ना। वैसी आत्मा का हेलमेट बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा का हेलमेट बाइबल में लिखा, आत्मा का बेल्ट बाइबल में लिखा, आत्मा का शील्ड बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन हम पहनते नहीं है। ईसाई लोग, ईसाई लोग को क्या चाहिए? वही लालच वाला चीज चाहिए। ईसाई लोग को क्या चाहिए? लालच वाला चीज, मतलब हाँ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। हाँ प्रभु का दोस्त ऊपर से बता रहा है, हर ऊपर से आने वाली बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अपने सब्जेक्ट में चलता हूं। आप ये याद रखिएगा कि यहां पर क्या चीज मेन है जो आज के डेट में सबको बुद्धू बना रहा है। मैं कलिसिया के अपने मसीहों के और इनके विषय में बताऊंगा। वो है अनॉइंटिंग, वो है अभिषेक। ठीक है, उसका सबसे पहले बताऊंगा ताकि हम जो कलिसिया में बुद्धू बनते जा रहे हैं वो अभिषेक असल में है क्या। सनातन धर्म में अभिषेक का मतलब होता है किसी भी चीज को उंडेला जाना, ऊपर से डाला जाना। दूध का अभिषेक
क्योंकि उनका जो भगवान का जो रूप होता है वो 40 फीट 50 फीट से लेकर 1 फीट 2 फीट आधा इंच यहाँ तक का होता है। तो उन लोग क्या करेंगे, मधु का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक, दूध का अभिषेक, पानी का अभिषेक, तेल का अभिषेक, सरसों तेल का अभिषेक, और बाकी और क्या अभिषेक में हल्दी का और उसका इसका वो लिंगा के ऊपर में डालना कैसे, वो सब उन लोग करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को, वो आदि शिक्षा है हमारा भारत का या दुनिया में भी। तो उन लोग क्या करते हैं, अभिषेक का मतलब सोचते हैं कि वैसा जो डाला जाता है वही अभिषेक है, ऐसा सोच लें। अब जब यीशु ने बोला कि तुम पर आत्मा उतरेगा जब मैं जाऊंगा तब तुम पर परमेश्वर उस आत्मा को उतारेगा, जो पावर है, पावर अलग है, पवित्र आत्मा जो आत्मा है उसका मिलना अलग है, अभिषेक अलग है। अभिषेक क्यों दिया जाता है? हाँ, यहां पर परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, ये कौन सा वाला शिक्षा, क्यों हम ऐसे लोगों को फ्रॉड बोलते हैं मालूम है? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अभिषेक ऐसा उतरता है, ठीक है, ऐसा जैसा, हाँ अभी मैं देख रहा हूं आग का अभिषेक उतर रहा है। ये गलत आत्मा है, गलत शिक्षा है, आदि शिक्षा का एक भाग है आग का आत्मा उतरना। परमेश्वर ने जब बोला वो है सामर्थ का उतरना, ठीक है, सामर्थ के उतरने को अभिषेक बोलते ही आपका मकसद खत्म, आप दूसरे पार्टी के हो गए, एक अलग पार्टी है जो संसार का ईश्वर है। यहां क्या लिखा है फिर से पढ़ता हूं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार से तो है, परंतु मसीह के अनुसार से कलीसिया लोगों, ईसाइयों, बुद्ध मत बनो, चर्च के अंदर में घुसकर तुमको गलत सिखाने वाले हरेक लोग जो कि बाइबल तो बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन तुम्हें अभिषेक ये दिखाते हैं जो गलत है। बड़ा आसानी से शैतान कलीसिया में, आप में, आपके जीवन में ज्ञान की गलत बातें घुसा रहा है। शब्दों का फेर, एक मद्रासी में कैसे कहावत है, ठीक है, एक राजा था मदुरई में, वो अब वो मेरे को पूरा कहानी नहीं मालूम, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक राजा था मदुरई तमिलनाडु में, उसके किसी ने कुछ गलतियां वगैरह किया था तो उसको जेल में डाल दिए थे। उसके पत्नी सामने आई थी और उससे गुहार कर रही थी कि मेरे पति को बचाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो मद्रासी में एक शब्द है, उसको बोलते हैं, दो एक शब्द का दो मीनिंग है, थोड़ा सा अंतर है उसमें, मैं पूरा पूरा मद्रासी नहीं जानता है ना, लेकिन मैं अंतर को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है गलत उच्चारण करूं, लेकिन अर्थ को मतलब उसको देखिए कैसा है। राजा उस समय में शुद्ध तमिल में बात करता है, आवने कोंड्रुवा ऐसा बोलता है, आवने कोंड्रुवा, कोंड्रुवा का मतलब दो होता है, एक होता है मार के ला, कोंड्रुवा आज हम लोग ऐसे कोलोकली बोल देते हैं, कोंड्रुवा का मतलब जो शुद्ध तमिल में बोला जाए उसको लेके आ और उसको मार कर लेके आ। मतलब क्या हुआ, वो सेनापति जाता है उस आदमी का गला काट देता और सिर लेके आता है। राजा बोलता ये तूने क्या किया, ये बोलता है आप ही ने तो बोला था महाराज कोंड्रुवा। अरे मैं कोंड्रुवा नहीं बोला, मैं कोंड्रुवा बोला, अरे वही तो मैं किया, मैं मार के लाया, आपके आदेश को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। शब्द एक ही, लेके आ और मार कर लेके आ, कोंड्रुवा उसको मार दे, दोनों शब्द एक है। याद रखिएगा, एक शब्द के द्वारा किसी की जान जा रही है और किसी को न्याय मिलने वाला था। हमारा भी वैसा ही है, एक कलीसिया के अंदर में शब्दों के फेर करके शैतान क्या करता है, अरबिक चीजों में क्या एक खेल है मालूम है, एक ही शब्द का जैसे शॉर्ट हैंड में, अगर कोई शॉर्ट हैंड वाले सेक्रेटरी हो या कोई शॉर्ट हैंड जानते हो उनको पता है
जब कोई भी जो कॉन्सनेंट और वोवल के द्वारा से जो जो चीजों को बनाया जाता है, तो जब मैं बोल रहा हूं और बोल रहा हूं कैसा बोल रहा हूं ऐसा लिख देंगे, उनको जो शॉर्ट एंड लिखे हैं उनको समझ में आएगा कि असल में उन्होंने लिखा क्या है, कि उनको ही समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने शॉर्ट एंड पढ़ा है। तो उसमें साउंड का खेल होता है, तो उसमें जो स्ट्रोक होता है उसमें शब्द बदल भी सकते हैं, लेकिन इस जगह में कौन सा शब्द आएगा उसको सोच कर लगाना। ऐसे अरबिक में भी होता, उल्टा लिखते हैं, सिंधी में भी उल्टा लिखते हैं, वहां क्या है एक शब्द का 5, 6, 7 मीनिंग होता है, वो जैसा चाहे बदल सकते हैं। लेकिन हिब्रू में नंबर्स होते हैं, नंबर्स, एक एक शब्द का एक एक नंबर होता है, और मैथमेटिक्स से फुल भरा हुआ परमेश्वर ने उस पहले लैंग्वेज में चीजों को बताया। हम हिंदी में तो बदल बदल कर सुन सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा उस जगह में हिब्रू में बदल नहीं सकते, अरबिक लैंग्वेज में बदल सकते हैं। इसीलिए वो हर चीज को अगर आप ये बोलोगे ना 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 वहां तो ऐसा बोला गया है, कोंड्रवा कोंड्रवा लेके मार के लेके आ गया, जबकि उसको न्याय के लिए छूटने छोड़ने के लिए बुलाया गया था, वही कलिसिया में हो रहा है अभिषेक। ये जो परंपरा आदि परंपरा में सोच कर आए हैं, अभिषेक अभिषेक उंडेलना अभिषेक उंडेलना, ये वही है सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया, देखते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला राजा, मेरे ख्याल से पहला राजा उसका 19, पहला राजा 19, और उसमें लिखा है, पढ़ देता हूं, नहीं 19 नहीं, पहला राजा उसका 16:15 से पढ़ता हूं। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा का मतलब कौन, परमेश्वर का शब्द। जब कभी भी लोग ऐसा पूछते हैं ना, यीशु तो 2000 साल पहले आया, फिर ये पुराने लाखों साल पहले कौन था, परमेश्वर का शब्द हजारों लाखों करोड़ों साल से, ठीक है। पिछले बार मैंने बताया था कैसे क्या हुआ था, क्या पिछले बार बताया था। तो यहां पर लिखा है कि यहोवा अर्थात जो यीशु देह धर कर आया, देह के धरने से मनुष्य बनने से बनकर आने से पहले जो परमेश्वर का शब्द था वो आत्मा में बात करता है। वो क्या बात कर रहा है, यहोवा ने उससे कहा, अर्थात यही जो यीशु है वो जो यहोवा कहलाता था, अर्थात लॉर्ड। हम जब भी बोलते हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड द किंग ऑफ किंग्स, यीशु को क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि वही यहोवा और वही यीशु, वही प्रभु है ना। तो यहां पर क्या लिखता है, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबा आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशे का अभिषेक करना। यहां बोला दो का अभिषेक करना, मैं बताऊंगा दो का अभिषेक क्या है अभी। अपनी जगह मतलब द रिप्लेसमेंट ऑफ एलिया, ही वाज एलिया वाज बीइंग टोल्ड बाय जहोवा जहोवा गॉड, अर्थात एलिया वाज टोल्ड बाय द लॉर्ड, हम बोलेंगे जहोवा बोलने के लिए, यहां पर हम बोलेंगे लॉर्ड, द लॉर्ड टोल्ड एलिया गो बैक, अभी तो वापस जा और वहां क्या करना, वहां जाकर के इस आदमी को और इस आदमी इस जगह के इस आदमी को और अपनी जगह में नियुक्त करने के लिए एक और आदमी जी येहू का पोत निमशी का पोते येहू का और अपने साथ पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलिशा का क्या करना, अभिषेक करना।
ठीक है। अब इसके साथ एक और मैं वचन पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आए। दूसरा राजा निकाल लीजिए, सेकेंड किंग्स 2:9, सेकेंड किंग्स 2:9। जिनको पता नहीं, मैं इसको बाइबल करके जो मसीह की किताब उसमें से निकाल के बता रहा हूं। दूसरा, क्योंकि आज कुछ लोग हैं जो नए आए हैं, उनको पता नहीं है और पहली बार कभी इन्होंने वचन ऐसा वाला सुना, मतलब उनको मौका मिला है कि नहीं मिला मुझे पता नहीं। 2:9, उनके पार पहुंच, दूसरा राजा 2 Kings 2:9, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं तो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने उससे कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। होगा नहीं तो, अब यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे। पहले वाले में क्या देखा हमने? पहले वाले में देखा लोग यहां कहां कंफ्यूज होके चर्च को बिगाड़ते, चर्च के अंदर झूठे भविष्यवक्ता वो कौन है जो इसको घुमा देते और हम उसको सच समझते हैं। एलिशा एक लड़का जो परमेश्वर को जानता नहीं ठीक से, उसको परमेश्वर ने चुना। जब चुना तो एलिशा ने क्या बोला, तेरी आत्मा का दूना भाग। लोग क्या सिखाते मालूम, उसके अभिषेक, दूना अभिषेक दिया, एलिशा का दूना अभिषेक मिला। कितनी बड़ी गलती, शब्दों का फेर, दूनाभिषेक, आपको परमेश्वर दूनाभिषेक दे रहा, ऐसा कुछ होता नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं मोदी नहीं हूं, प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, मैं भाइयों, लेकिन मैं भाइयों और बहनों घोषणा करता हूं, क्या आत्मा को अभिषेक करके वस्तु न बना, ये सबसे बड़ा पाप है। आत्मा बोलने के बाद तू उसे वस्तु बनाकर अभिषेक क्यों कहता है? अभिषेक भी वस्तु नहीं है। झूठे तुम कब बन जाते हो? जब कलीसिया के अंदर में पूरी बाइबल को पठन करा के सिखा देते और एक शब्द में तुम्हारी आत्मा का ज्ञान पकड़ में आता, जब तुम आत्मा को अभिषेक बनाकर, अभिषेक अर्थात कोई बहने वाली वस्तु, कोई उंडेली जाने वाली वस्तु, या कोई हल्दी, सनातन धर्म में देखे हल्दी है, दही है, दूध है, हैं, तेल है। जब कभी भी हिंदी, हिब्रू में जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, हिंदी में या कन्नड़ में या मद्रासी में ये जो अभिषेक करके जो हमने ट्रांसलेट कर लिया, हमने समझ लिया, हमने उसे घुसा दिया और कुंडवा को अंतर नहीं समझा। हम तो मार ही डाल रहे हैं कलीसिया को, हम तो लोगों के विश्वास की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, अपना विश्वास इत्थे रख, उस विश्वास को उत्थे रख। तुम कौन से विश्वास की परफेक्ट, आजकल लोग परफेक्ट विश्वास की बात करने चले। याद करिए यहां क्या लिखा है, आत्मा मतलब जो लोग परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझते, कठिन बात मांग ली है, ये होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा का क्या मतलब है? क्या ये ऐसी बात है कि होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा? यस, योर इंटेंशन एंड योर कमिटमेंट विल शो यू विल गेट इट और नॉट। आपका यहां पर एलिया बोलकर बोल सकता था हां तुझे मिलेगा, अगर वस्तु होता तो बोलता, आत्मा का मतलब हुआ देयर स्पिरिट विल डिसाइड वेदर
ही शुड बी गिवन दैट थिंग और नॉट, देयर इज अ पर्सन। वस्तु तो मिल जाएगा भैया, किसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर अगर आप उसको अभिषेक बोलते हो तो मिल जाता। यहां उसने बोला मिलेगा तो मिलेगी, यही समझना है, आत्मा यही समझाता है। What is the secret behind the things? When somebody says something, there is a secret that is locked and you will be given the key of the heavenly kingdom and the knowledge of the heavenly kingdom. Elia type of the prophet has told, who was lifted from this earth while he was living. जिंदा में उठाए जाने वाला है, एलिया बोल रहा है तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं है। तो तुम झूठे भविष्यवक्ता हो, तुम जो झूठे अपोस्टल बोलकर घूमते हो, तुमने उसे अपने बस में कब रख लिया? तुमने परमेश्वर की आत्मा को अपने बस में कब कर लिया? और उसे तुम जिसे चाहे कैसे देते हो, शब्दों को बदलकर, शब्दों के साथ मत खेलना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शब्द यीशु है, उसके साथ मत खेलना। दिस इज टू बैड, यू आर प्लेइंग विद द लिविंग स्पिरिट ऑफ गॉड। ही इज गॉड, ही विल डिसाइड, ही विल टेल, ही नोज द इंटेंशन, ही नोज द इंटेंट ऑफ द पर्सन, ही नोज द विल ऑफ गॉड। इट इज नॉट व्हाट यू विल आस्क फॉर, because it is the spirit of God and is a part of the Trinity. झूठे कहां बन गए? कलिसिया में घुसते हैं और अभिषेक उतर रहा है बोलते हैं। They do not know even the ABCD of what the spirit of God has taught, because their Lord is not the Lord whom we believe. वो परमेश्वर के पुत्र को नहीं, परमेश्वर के पुत्र जैसे को, किसी को जो उस नाम का है उसको मान रहे हैं। और कलीसिया में घुसकर क्या बन रहे हैं? भेड़ की चाल, इसमें भेड़िया है। और क्या खेल रहे हैं? शब्दों में अभिषेक। और कलीसिया पहचान नहीं रही है उसको क्या मतलब है। अरे दूना अभिषेक गया, मिला एलिशा को, आज तक सबसे ये सोच के बैठे हैं दूना आत्मा का। इसको एलिशा को तो पता नहीं था क्या पूछना है। आपको मालूम है एलिशा का मरने का रहस्य ही ये था कि उसने गलत तरीके से पूछा। बाद में जो उसको बीमारी हुई, उसके पास में सामर्थ्य तो थी, उसकी हड्डी में सामर्थ्य थी, लेकिन उसको क्या मिल गया? वहां दंड मिला। एलिशा की जिंदगी में कुछ कुछ चीजों में गलत भी गलत, उसको उसको समझ में नहीं आया क्या है करके, नहीं समझ में आया क्योंकि उसने स्टार्टिंग में गलत तरीके से। अब एलिया क्या नहीं सिखाया उसको? अरे तूने कठिन बात पूछ ली है, क्योंकि वो बच्चा था, पहली बार पूछ रहा था। एलिया को ये पूछना ही नहीं था कि तुझे क्या चाहिए, तेरा डिजायर क्या है बता, ऐसा पूछना ही नहीं था। वो भी मनुष्य था तो उसने पूछ लिया। लेकिन इससे लेकर अब मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर देखिए क्या हुआ। परमेश्वर की मतलब जब परमेश्वर जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर जिस व्यक्ति को परमेश्वर पर उठाने वाला है, जब उठाकर स्वर्ग की तरफ ले जाएगा, वो व्यक्ति की बात यहां पूरी होगी कि गारंटी नहीं है। फिर से पढ़ता हूं और क्या लिखता है। तब एलिया ने उससे कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मुझे नहीं करना, वो नहीं, कौन सा मैं पढ़ रहा था अभी, 9। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि तेरे पास उठा लिया जाऊं, बता। तो एलिशा ने क्या पूछा? जो तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो अभिषेक है, नहीं बोला, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग, उसने नहीं बोला डबल स्पिरिट, नहीं बोला दूना भाग का मतलब डबल पार्ट, डबल पोर्शन बोला, क्योंकि इसको पता नहीं था। ठीक है, डबल पोर्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? मैं आगे बताऊंगा। आदमी जल जाता है,
हड्डियां तक घुस जाती, इसीलिए एलिया के मरने के बाद भी उसकी हड्डी से, ये इस बात का प्रमाण है, हड्डी से सामर्थ निकली। सामर्थ इज नॉट अभिषेक, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ चर्च, फॉलो द ट्रू टीचिंग्स ऑफ गॉड, नहीं तो गलत आत्मा, गलत शिक्षा, गलत शब्द और गलत बातों के द्वारा से बहुत कुछ कलीसिया के अंदर में तहस नहस हो रहा है। सब ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, इसका उसमें, उसका उसमें, ऐसा नहीं होता। डू नॉट इंसल्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। अब यहां पर क्या बोला, मैं समझने के लिए इसलिए बता रहा हूं, आदि शिक्षा हमारे अंदर है। हम जो इजरायली लोग जो थे वो भी मूर्ति पूजक में पड़े थे पहले, बीच में पढ़ के उनकी शिक्षाओं को ले लिए, हम भी उसी में से निकल कर आए हैं, और हमारा सोच एकदम इजीली कन्विंसिंग वे में बड़े आराम से ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, तो अब बोलता है कि तुझ में जो आत्मा है, आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, लालच, क्योंकि वो यही तो आज कलीसिया में लोग क्या करते हैं मालूम है, जवान लोग जो आज मसीह में, जो अभी बच्चे हैं, कल को जाके ये सब बहुत सामर्थ्य हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, दूना भाग मिल जाए, इच्छा, इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, इच्छा रखा, क्या सच में उसको दूना भाग मिला, क्या एलिया के जैसे एलिशा जिंदा ही रहा, नहीं। वहां पर क्या बोला, तूने, एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो, मतलब बी, उसको बोलने का मतलब क्या था मालूम है, बी अलर्ट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, बी अलर्ट एंड कॉशियस इन द वर्ड ऑफ गॉड, and open your eyes, understand the eyes of your understanding, and open the knowledge that you have gained in a proper way, so that you may understand things properly. तू मुझे अगर देखने पाए का मतलब ऐसा देखने पाए का नहीं है, उसने बोला कि तुझे आत्मा में बताया जाएगा मैं कब उठाया जाने, शरीर में ऐसा उसके पीछे पड़े से देख लेगा, मत सोचिए। एलिशा व्हाट ही डिड, ही वाज विजिलेंट इन स्पिरिट, ही ओपन्ड हिज स्पिरिचुअल आइज। वो यहां पर नहीं है स्पिरिचुअल आइज, वो याद रखिएगा, यहां पर स्पिरिचुअल आइज नहीं है, यहां पर पीनियल ग्लैंड्स का थर्ड आई है। ठीक है, जो मनुष्य के अंदर के ग्लैंड की एक आई है, ये स्पिरिचुअल आई ये नहीं है। डोंट मिक्स द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द थर्ड आई एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन और म्यूजिक एक्टिवेशन, उसको रखकर इनिशिएशन करने वाला एक्टिवेशन, ये वो आई है जो अल्ट्रासोनिक रेस के द्वारा से चीजों को प्रतिबिंबित करने में हमारी मदद करता, जब हम लोग 13 से 14 साल तक रहते हैं, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि दो पार्ट में रहती है और इसके बीच में ये पीनियल ग्लैंड, एक गेहूं के सरीका है, वो उससे अटैच नहीं होता, सब डिटैच रहता है। जैसे ही उम्र बढ़ जाती है तो ये सब चिपक जाता, फिर ये एक्टिवेट नहीं हो पाता, इसको वाइब्रेशन के लिए जगह चाहिए रहता है। इट दैट्स व्हाई दैट्स अ नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब किसी से आजकल एक नया निकला है और सच है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा जब शब्द होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, मेरा कितना तो हर्ट्स होगा, उनका कितना तो हर्ट्स होगा, वेल का कितना तो हर्ट्स होगा, कुत्तों का कितना तो हर्ट्स होगा, परमेश्वर की आत्मा के शब्दों का फ्रीक्वेंसी साउंड से नहीं होता भाई। डोंट मिसकोट एंड मिसअंडरस्टैंड थिंग्स, एनीथिंग दैट इज मटीरियल will have a sound, but God, परमेश्वर का जो sound है वो sound नहीं है, वो शब्द है। कितना confusion, ओम
साउंड फ्रीक्वेंसी शब्द, यदि मेरे थ्रोट को चोक कर दिया जाए तो मेरे भक्ति खत्म हो गई। थ्रोट चोक, भक्ति खत्म, फिर अब क्या करें? परमेश्वर चीजें ऐसी नहीं होती। कोई आपका गला दबा दे, मर भी जाओ तो भी जियोगे। जीना और जिंदा रहने में अंतर होता है। डोंट थिंक अगर आप जिंदा हैं तो आप जी रहे हो। जीना और जिंदा रहने में अंतर है। यू आर अलाइव, दैट डजंट मीन दैट यू आर फुल्ली लिविंग इन लाइफ। या फुल ऑफ लाइफ नहीं है, यू आर अलाइव है। वैसा ही यहां बोलता है कि गलत फहमी में मत चले जाना, ऐसा बोलता है। यहां बोलता है, क्या बोलता है? एलिशा ने बोला, जो आत्मा तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए भी ऐसा होगा। अब सोचिए, ये थोड़ा सा मैं इसको दूसरा राजा हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ देता ताकि कोई आप लोग कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा राजा, कितना टाइम हो गया? अच्छा, दूसरा राजा उसका कौन सा है? दो। दूसरा राजा रो दो का क्या? नौ, दो का हाँ। लेट मी इनहेरिट द डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, एलिशा रिप्लाइड। यू हैव आस्क्ड अ डिफिकल्ट थिंग, एलिशा सेड, येट इफ यू सी मी व्हेन आई एम टेकन फ्रॉम यू, इट विल बी योर्स। उसने क्या समझा मालूम है? व्हेन यू सी मी, क्योंकि आत्मा में होने वाली चीजें हैं और आत्मा में इसको दिखना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा जब तक इसको वो चीज को, सीन को नहीं दिखाता, इसको उसका दूना तीना पोर्शन की बात नहीं है। यहां परमेश्वर ऐसा कोई कंपटीशन करके नहीं रखा, इसका इतना दिया इसका डबल दे देगा, ऐसा कंपटीशन नहीं रखा। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा का पोर्शन ज्यादा और कम हो सकता है। कि अभी मैं हूं, ठीक है, शिवाजी महाराज का पोता, अभी मैं आपको पूरा पूरा मिलने वाला हूं और थोड़ा ज्यादा मिलने वाला हूं, मैं कम मिलने वाला हूं। मेरा संबंध है वो ही काफी है, मेरे ज्यादा और कम का क्या? पोर्शन मुझमें कौन सा मिलेगा? वो तो समय अनुसार जब जब जिसको जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। हेलो, हाँ बताइए। हाँ हेलो, हाँ इनको भी मिला, इनको भी मिला। एलिशा बात करेगा, एलिशा पवित्र आत्मा से बात करेगा। उसको दूना तिकना क्या होता है? क्या परमेश्वर यहां पार्शलिटी करने के लिए बैठा? हाँ एलिशा ने बुलाया, हाँ मैं तुरंत जाता हूं ऐसा। और दूसरा, अरे सुजाता ने बुलाया, सुधा ने बुलाया, निर्मला ने बुलाया, रेलिशा ने बुलाया, आंचल ने बुलाया, अब मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा, धीरे धीरे से मैं उसकी जिंदगी में जाऊंगा, इसको जल्दी ऋतुम्रा के पास तुरंत जाऊंगा, ऐसा ही क्या? परमेश्वर इतना परेशानी करता है? एलिशा ने स्टार्टिंग में गलत समझा, ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज होता था, ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं था उसके, तो वो पोर्शन समझ लिया। आज भी हम पोर्शन समझ रहे हैं। अब यहां पर उसने क्या बोला? अब तो नहीं, तो नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अगर न खुले, उसको एलिशा को बच्चा समझ रहा था एलिया, अरे ये तो बच्चा है, इसको समझ में नहीं है, क्या पूछ रहे, तो क्या मांग रहा है, What is he asking? अब यहां पर एक बात पूछता हूं, क्या अभिषेक नहीं स्पिरिट को एलिशा छोड़कर जा रहा था क्या? यहां पर अपना अकेले जा रहा है, ऐसा था क्या? आत्मा तो एक ही है, चाहे स्वर्ग में चाहे चाहे पृथ्वी पर रहे, अलग अलग तो है नहीं। तो फिर इसको मिलने वाली बात उसको लगा ये छोड़ेगा। सामर्थ को गलत समझा अभिषेक में। आत्मा है उसके, आत्मा मिलने पर क्या मिलता हमको? सामर्थ मिलता है।
फिर से दोहराता हूं, आत्मा मिलने पर हमको क्या मिलता है? सामर्थ मिलता है, अभिषेक नहीं। अभिषेक इस पृथ्वी के आरंभ के पहले से ही है। अब यहां पर जब मसीह में आने के बाद ये पृथ्वी से आरंभ से पहले वालों को मिला है यह मौका। अब यहां पर मैं आपको निकालकर बताता हूं पहला राजा में अब एलिशा ने क्या किया, एलिया ने क्या किया। तो भी वहां पर बताया, क्या बोला, हजाएल के 17 है ना, 19 का सत्र, पहला राजा फर्स्ट किंग 19 का 17। और हजाएल की तलवार से जो कि बच जाएगा वो येहू मार डालेगा, और येहू की तलवार से जो बच जाएगा वो एलिशा मार डालेगा, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा कर रखूंगा। ये वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे झुका, जो जिन्होंने न तो उसके मुंह को चूमा। तब वह वहां से चला गया, चल दिया। कौन चल दिया? एलिया। सब सुना और चल दिया, यहोवा से सुना और चल दिया। और शापात के पुत्र एलिशा जो उसे मिला, तो बाहर 12 जोड़ी बैल और ये सब लेकर वहां जा चल रहा था, वो सब हो गया। हाँ, मुझे अपने माता, तब 20 में देखिए, तब वह चेलों को छोड़कर, नहीं उसमें नहीं, उसके बाद स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपना चद्दर उस पर डाल दिया। अभिषेक कैसा दिया? आपका अभिषेक, आत्मा का अभिषेक, अभिषेक उतर रहा है। मैं देख रहा हूं आग का अभिषेक उतर रहा है। आग तो दंड है भैया, वो जो उतरा ना आग जैसा जो चेलों के ऊपर में, मैं उसको बताऊंगा असल में कैसे हुआ वो, ठीक है। यहां पर वो एक ही बार उतरा है, तुम बार बार उतारते झूठे भविष्यवक्ता। आग का अभिषेक बार बार उतरता है क्या? यहां क्या बोलता है, यहां पर ईश्वर परमेश्वर ने क्या बोला 15 में, लौट कर जा और उसका ऐसा 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 ऐसा, हाँ 16 के आखिर में लिखा, 15-16 के वचन के आखिर में लिखा, शापात के पुत्र एलिशा का क्या करना? अभिषेक करना, अभिषेक करना। अब यहां वो क्या कर रहा है, वो अपनी चादर, जब तुमको परमेश्वर बोलेगा अभिषेक उसको करना, तो उसको एक जिम्मेदारी दे रहा है, लेकिन आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं उतार रहा है, चादर दे रहा है। चादर का मतलब क्या है मालूम है? चादर से हम क्या करते हैं बताइए? एलिशा चादर कर कर क्या किया होगा, और एलिया का जो चादर है किसके पास मिला? योहन्ना जब आया, तो योहन्ना का पप्पा जब वहां पर आराधना कर रहा था परमेश्वर का वेदी के सामने में, वहां पर एलिया का चादर और पटुका रखा हुआ था, बाइबल में लिखा है। और वो किसको मिला? योहन्ना को मिला। चादर मींस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट पावर, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। Power will be given only by the Spirit of God. No human has got any right to give this and give that until unless he laying of hands. जब हम करते हैं तो आत्मा जाता मिलता है पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार, और तुम्हारे मर्जी नहीं भी है। पत्रस ने क्या बोला मालूम है एक जगह में, जब वो चेलों से मिलने के लिए गया था वहां पर, तो ये तो बपतिस्मा नहीं हुआ इनका, लेकिन ये हमारे जैसी आत्मा पाए हैं। बपतिस्मा नहीं हुआ, हमारे से आत्मा पाए, इन्होंने सोचा नहीं और वो आत्मा पाए, और वो वहां पर बात करने लगे जैसे इन्होंने बात किया था, जो भी वहां पर था, वो बात की बहुत बड़ी शिक्षा। तो इसने अपना चादर दिया, और वो चादर एलिया का चादर, एलिया का वो अनॉइंटिंग, ही विल वॉक इन द अनॉइंटिंग ऑफ द एलिशा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ये जो है वो एलिया का अभिषेक में चलने वाला है,
और एक और आएगा। चादर उसको जो पटुका और चादर जो योहन्ना रखा था वो एलिया का हजारों साल का चादर था। वहां पर सोचिए, वो बाइबल से प्रूव्ड है। तो अभिषेक का मतलब होता है द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन समथिंग, वी हैव टू टेक दैट थिंग। आपको ज्ञान देगा, कवरिंग देगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपको उसके लिए इक्विप करेगा और आपके साथ होकर चलेगा। एक एलिया का चादर, देखिए क्या होता है, अगर एक एलिया का चादर में जिंदा उठाया, उसी चादर में एक का सिर कटा। एक एलिया का चादर जो योहन्ना पहनकर चल रहा था, उसका सिर कटा। तो ये मत बोलो कि परमेश्वर का अभिषेक आपको सिर्फ बचाने के लिए है। एलिया को क्यों उठाया गया? परमेश्वर की उसके एक सिद्ध मर्जी थी, और वो हम एक बार देखेंगे बाद में। वैसा ही यहां परमेश्वर की मर्जी थी, एलिया का अभिषेक में चलने वाला योहन्ना उसी चादर और उसी पटुका में मरा भी। क्यों एलिया, एलिशा क्यों नहीं मरा वैसा? क्योंकि उसने मांगा, दैट इज नॉट, दैट वॉज बिफोर टाइम ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट अनॉइंटिंग, एंड दैट्स व्हाट ही वॉज थिंकिंग द स्पिरिट एज एन अनॉइंटिंग। दैट पीरियड वॉज नॉट फॉर दैट। एलिया के लिए जिम्मेदारी क्या दी गई थी मालूम है? राजाओं की जिम्मेदारी के साथ साथ दंड की देने की जिम्मेदारी भी थी। एलिया के काल में बहुत सारे लोग मरे, एलिया में भी मरे, एलिशा में भी मरे, लेकिन योहन्ना में नहीं मरे। योहन्ना में योहन्ना मरा। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन कनेक्शन। सेम अभिषेक, सेम चीज, दो अभिषेक वहां पर, वो जो स्पिरिट ऑफ गॉड का दो इंटेंशन, यहां पर एलिया के द्वारा से एक इंटेंशन, यहां पर एलिशा के द्वारा से कुछ दंड का और न्याय का पूरा करना, और उसी पटुका के द्वारा, उसी चादर के द्वारा इस अभिषेक को इसने क्या किया? इधर उसने, उसके पास बारहों के साथ होकर चल रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल दी और वो अभिषेक कहलाया। वो अभिषेक कहना है, मतलब आपको जो चाहिए परमेश्वर उसको प्रदान करेगा। बुद्धि में आपको आत्मा में डर लग रहा है, आपको करेज की आत्मा देगा, करेज का स्पिरिट देगा। स्पिरिट का मतलब स्वर्गदूत भी होता है। आपको हियाव बांधने वाला स्पिरिट देगा। आपको भूख और प्यास है, आपको उसके हिसाब से आपको वहां पर सेवा प्रदान की जाएगी। This is the commitment of God. Anointing is the commitment of God to fulfill a purpose. तुमको दुगना अभिषेक दे रहा है, तुमको एलिया का अभिषेक दे रहा है, तुमको दानियल का, अरे कौन किसको कौन सा अभिषेक तुम क्यों दे रहे हो भाई? झूठे भविष्यवक्ता, फेक और फ्रॉड लोग, तुम कब परमेश्वर बन गए? तुम कब परमेश्वर की आत्मा बन गए? इसको दे रहा, उसको दे रहा, क्योंकि तुमने शब्द के टर्म्स को तुमने गलत ज्ञान में जोड़ लिया। ठीक है, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन उनको सब चीज समझ में नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग बहुत ज्ञानी है, उनको तो बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर मतलब उस बैलेंस को लेकर चलेंगे। तो यहां पर क्या बोला, एलिया ने जाकर उस चादर को उसके ऊपर डाल दिया, अभिषेक कर दिया। वहां वो अभिषेक करने के बाद आत्मा की बात हो रही है। पहले अभिषेक होता है, फिर आत्मा आती है। कैसे? बहुत कुछ बोलना है, टाइम नहीं है। कितना मेरा तो काम है, मैं तो एंजॉय कर करके बताते रहूंगा, लेकिन आपका समय नहीं खाना चाहता। तो डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट जो उसने गलत बोला,
उसके बाद यहां पर एक और बात देखिए, एलिया और यीशु एक ही तरीके से बात की। एलिया क्या बोला, दूसरे राजा उसमें, यदि तुम मुझे जाते हुए देखोगे तो, ठीक है, तो आत्मा का अभिषेक, ये भी आत्मा ही है लेकिन मैं उसको समझाऊंगा यहां पर, यूहन्ना 20 का 22, जॉन 20:22, एक्स के 1:4 में लिखा है कि तुम, मैं जब उठा लिया जाऊंगा तो पिता जिसे तुम्हें वादा किया कि वो तुम्हें अपने आत्मा की सामर्थ को उंडे लेगा बोला। मैंने क्या बोला, अभी इस समय ले लीजिए यूहन्ना 20 का 22, यूहन्ना 20 का 22, यूहन्ना 20 का 22 में क्या लिखा है, एक मिनट, इसमें लिखा है यीशु यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु ने क्या बोला, वो चेल स्पेसिफिक लोग थे, एलिशा कौन था, एक स्पेसिफिक जन था, परमेश्वर ने उसको चुना था, वैसे ये जो चेले थे जो वहां यीशु के सामने थे वो चुने हुए थे, सबके लिए नहीं था, वो चुने हुए थे, और यीशु ने उन पर फूंका, उसने उन्हें अपना कवरिंग दिया। जब तुम इस बात को ऐसा मानकर चलते हो कि रबा बाबा बुबा बाबा जब कर रहे थे और आत्मा उंडेला था, अन्य भाषा में बात कर रहे थे, ऐसा वाला बात को तुम अभिषेक में जब जोड़ देते हो तो इस बात को भूल जाते हो कि यहां असली अभिषेक हो गया। बहुत सारे प्रभु के नाम से जाने जाने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये वही चादर है, ये वही चादर है जो आत्मा में दिया जा रहा है। इनको क्या किया, लो पवित्र आत्मा लो, लेकिन इनको करेज नहीं था, चादर तो था, कवर करके छिपाने के लिए हो गया, इसके बाद भी डर कर ये बैठे हुए थे। यीशु जब तक इनके साथ में था डर कर नहीं थे, जब साथ में से चला गया ये जा करके एक जगह छुपकर बैठ गए, ये डरे हुए थे, इनको चादर मिला हुआ था, आपको अभिषेक मिला हुआ है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, आपको जब यीशु को जब जंगल में 40 दिन जब लेकर के जाया गया उस समय में उसको पवित्र आत्मा ही लेके गया, कवर करके ही लेके गया। प्रभु के दासों, प्रभु के असली लोगों, समझ लो कि यीशु को अभिषेक मिल चुका था लेकिन अभी सामर्थ मिलना बाकी था, और सामर्थ अभिषेक नहीं है। अभिषेक आपको मकसद देता है, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का प्रॉमिस देता है, परमेश्वर के मकसद में आपको चलाने के लिए रास्ता दिखाएगा और आपके संग संग आपको स्वर्गीय चीजें आपको पहुंचेंगी, लेकिन आपको संसार में चलने के लिए बौद्धिक, मानसिक और ताकत की जरूरत है, और वो आपको सामर्थ में मिलेगा, अभिषेक में नहीं। मैं तुम्हें अभिषेक देता हूं ना, आत्मा देता हूं। आत्मा जो पवित्र आत्मा लो फूका, ये फूका कब परमेश्वर ने पहले उत्पत्ति 2:7 में फूका था आत्मा को, कैसे, उत्पत्ति निकाल लीजिए, उत्पत्ति 2:7 वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। कौन सा श्वास, जीवन का श्वास, मतलब ये वाला नहीं जिसको हम लोग हवा बोलते हैं, ये वाला नहीं, नथनों में, मतलब आत्मा जो हम हैं उसमें पवित्र आत्मा को फूंका,
ये लोग जो उनके चेले थे उनको भी श्वास फूका, वो जब फूका था वो भी यीशु ही था, और ये जो फूक रहा है ये भी यीशु ही है। उसने बोला, उसका अगला वचन देखिए क्या होता है, ये जब आदम उठा तो हम जो हूं हां करके नथनों को कंट्रोल करके जो योग सिखाया जाता है इसमें, इसीलिए बड़ा लाभ नहीं, पौलुस बोलता है, क्योंकि आत्मा की दुनिया का नहीं, स्वर्गीय दुनिया का नहीं, संसार की दुनिया की आत्मा का कंट्रोल है। एक अघोरी बाबा, मैं अघोरी जानता हूं, ठीक है, वैसे एकदम चिकना चुकना ऐसा ना, मैं खतरनाक खतरनाक चीजों को जानता हूं, और जानकर मैं बोलता हूं कि ये जो अघोरी में एक शिक्षा है जिसमें मृतक के अंदर में सांस को चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें जीवन का श्वास मिटा है नहीं, वो सिर्फ कौन सा वाला सांस है, एक कबीर दास की दोहा में भी भूल रहा हूं लेकिन बहुत अच्छा दोहा है, उसमें बोलता है कि एक जो लोहार होता है वो जो उश्क करता है उसमें वो भी सांस को फूंकता है, वो भी स्किन है, लोहार का जो स्किन होता है उसमें भी हवा भरता है और छोड़ता है। कबीर बोलता है उसमें भी आग लगती है भाई, आग को भड़काने के लिए उसको किया जाता है खींच खींच के, उस दोहे को किसी को मालूम होगा तो बताइए, तो मेरे को याद है लेकिन अभी याद नहीं, ऐसा है। तो वहां पर सांस है, चल रहा है, लेकिन परमेश्वर जो सांस फूका है वो आत्मा, पाप के कारण वो सांस निकल गई थी। यीशु अपने चुने हुओं को जो चादर डालता है, उनको चादर क्या है मालूम है, वही है उसकी महिमा में ऊपर, महिमा उसकी महिमा में चादर, द ब्लैंकेट, दी एप्रॉन, द ड्रेस दैट यू शुड हैव इन योर स्पिरिट। जब हम मसीह के बगैर मरते हैं तो नंगे जाते हैं, और जब मसीह के साथ जाते हैं तो हमारे पास वो चादर होता है, वो ब्लैंकेट होता है, वो वस्त्र होता है। इसी को यीशु ने वहां पर क्या बोला, यहां पर बोला वो जीवित बन गया, मतलब वहां पर आदमी सांस लेने लगा नहीं, आत्मा सांस लेने लगा, पवित्र आत्मा जो जीवन की श्वास थी। यहां यीशु ने क्या बोला, लो पवित्र आत्मा लो, लोगों को पता ही नहीं, इसको जब पूछेंगे ना वो सब बिगाड़ेंगे बात को, आपको घुमा देंगे, हाँ हाँ वो सामर्थ, हाँ पवित्र आत्मा, और तो वहां क्या था, फिर यहां क्या था, जो एलिशा ने डाला, एलिया ने एलिशा के ऊपर डाला, सेम अपने चुने हुओं के ऊपर में आज वो फूंक कर उनकी आत्मा को, उनको पवित्र आत्मा, उनका नया जन्म हो चुका है, आज जब वो जिंदा होकर के आता है तो नया जन्म हो चुका है, अब उनको आत्मा देता है, वो सांस चलता है, हम आत्मा में जिंदा हो जाते हैं, यही एक हमारा नया जन्म हुआ। बस वहां पर जब नया जन्म हुआ तो हम नया जब होते हैं तो हमारे पास में वो महिमा में वस्त्र आ चुका है, अब हमको, अभी भी हम डरे हुए हैं लेकिन जब सामर्थ उतरेगी तब यीशु ने बोला तुम मेरे जाने के बाद, एलिया ने क्या बोला, मेरे जाने के बाद तुम्हें, वैसा ही तुम मेरे जाने के बाद, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग जो थे इनको पहली बार जब स्वर्ग से सामर्थ उतरी एक मनुष्य के अंदर में, जैसे यीशु के अंदर में था, सेम वैसा ही सामर्थ उतरी और वो आग थी, और वो परमेश्वर पिता की मर्जी से हो रहा, देखिए पिता की मर्जी, पुत्र की मर्जी, पवित्र आत्मा की मर्जी, ये तीनों से ही होगा, झूठे भविष्यवक्ताओं, और उसके अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता, और मनुष्य तो हो नहीं सकता। अब यहां पर तुम एक प्रश्न पूछोगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो क्या हम वैसा नहीं कर सकते, तुम अपने मन के मुताबिक कर रहे हो ये पता चलता है, क्योंकि हर एक को दानियल की यहां जरूरत नहीं है, तुम क्यों दानियल का अभिषेक तुमको मिलेगा बोलते हो, एलिया का क्यों सा यूसुफ का अभिषेक मिलेगा क्यों बोलते हो,
उसकी तो अभी जरूरत नहीं है, उनका काम हो गया। सनातन चीजों में वो कहानियां हो चुकी हैं, अब मसीह में नया सृष्टि नया प्राणी, मसीह में चाहिए भाई यूसुफ दानियल ये वो सब नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए होते तो उनको परमेश्वर जिंदा करके बुलाता। तुम मुझे क्या जान समझते हो? कुछ लोग कहते हैं तो जिंदा होकर एलिया आया है, कुछ लोग कहते हैं तो मूसा है। ये सब इनकी सोच को देखिए, इनकी जरूरत नहीं है, उनका काम हो गया, वो करके चले गए। अभी जरूरत है परमेश्वर को, उसके पुत्र और उसके दास की जरूरत है। प्रभु को दास चाहिए, पिता को पुत्र चाहिए और पवित्र आत्मा को एक कैरियर चाहिए जो परमेश्वर की मनसा के अनुसार हम्बलनेस में झुकता हो, चलता हो और उसको सामर्थ्य भरे। इसलिए नहीं कि वो इसके सामर्थ्य के आधार पर अपनी चीजों को दिखाए। देखिए मैं एक लास्ट में कुछ चीजों को बताकर खत्म करूंगा। यूहन्ना में जब उसने कहा, सामर्थ्य भी आया नहीं है, ठीक है, सामर्थ्य मिलने पर होगा मत बोलना, संबंध होने पर होता है ये बोलना, दिस इज रिलेशनल। यहां क्या बोलता है? यूहन्ना के 20 के 22 में लिखा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा। रिलेशनल, अब पवित्र आत्मा उन्हें मिला, वे जिंदा आत्मा बन गए। अभिषेक अभी तक नहीं मिला, मतलब जो तुम अभिषेक बोलते हो सामर्थ, अभिषेक मिल गया, मतलब अभी मिला। कैसा वाला अभिषेक मिला? वो तुम्हें जिंदा श्वासों में किया, ही गेव यू द एप्रॉन, द रियल स्पिरिट का ड्रेस आपको दिया। आप अभी नंगे नहीं हो, जैसे वो था ऐसे नंगे नहीं हो। जब इसीलिए आत्मा पहचानता है, इसी दुष्ट आत्मा पहचानता है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आई एम ए वेरी गुड मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड बिकॉज आई सैक्रिफाइस, आई डू थिंग्स फॉर दिस एंड दैट। ये नहीं, वो तो है ही है, वो तुम होगा, आत्मा होगा तो उसका फल तुम दिखाओगे। लेकिन यहां क्या बोलता है? जिन देखिए अपने बराबर लाकर खड़ा कर रहा है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिनको तुम रखो पाप को उनके रखे जाएंगे। सेम एज द लॉर्ड इज डूइंग, द सेम हैज बीन गिवन अन टू अस। व्हाई? बिकॉज Now that I am not judging by my carnal brain, but I am judging by the spiritual action and unction. पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर आत्मा में सांस बनकर चल रहा है, लहू बनकर चल रहा है, जीवन बनकर चल रहा है, अब वो सोच पिता की लेकर आता है। पवित्र आत्मा किसकी लाता है? पिता की हार्ट को हमें दिखाता है, प्रभु की मंशा को हमें बताता है। फिर से बोल रहा हूं, पिता के हार्ट को जो सृष्टि करता है परमेश्वर, वो जो हमारा पिता है, सृष्टि करता सबका पिता नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर बोल देते हैं उसको, लेकिन हमारा जो पिता है वो सृष्टि करता परमेश्वर, हमारा पिता वो सबका जो नहीं है, वो उसकी मनसा को, हार्ट को पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है और वो जजमेंट को हमें बताता है। जब उसके अधीन होकर हम चलते हैं तो ये रिलेशनल चीज होती है, भले सामर्थ अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए किसी मेथोडिस्ट को या किसी से सीएसए वाले को आप तुच्छ मत जानो। पेंटेकोस्टल लोगों, तुम्हारे अंदर ज्यादा दुष्टात्मा की बातें पाई जा सकती है, लेकिन उनको साधारण मत समझो, क्योंकि उनके नथनों में यीशु ने नए जन के द्वारा सांस फूंका है। सामर्थ, अरे भैया ऑडी गाड़ी या फिर बीएमडब्ल्यू या फिर कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, चालू हालत में है, फिलहाल पेट्रोल नहीं है, बिकेगी कितने में? खरीदने वाला आएगा, मान लो एक गाड़ी ऑडी का 3 करोड़ रुपया, तो 3 करोड़ की गाड़ी पेट्रोल नहीं होने के कारण से गाड़ी का वैल्यू खत्म नहीं हो गया। इट हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज ऑफ
गॉडली क्वालिटीज, कंपनी का को क्वालिटी सब है। सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल गाड़ी को चालू कर देगा। 200 रुपए की चीज के लिए अपने आप को इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट मैन ऑफ गॉड बिकॉज यू हैव पावर, यू आर मैन ऑफ गॉड बिकॉज यू हैव रिलेशन विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसलिए नहीं कि आपके पास पावर है, इसलिए डोंट गो आफ्टर पीपल आफ्टर पावर पावर पावर, बिकॉज पावर डजंट मीन दैट इट इज फ्रॉम गॉड। Power can be from Satan and other things also. Power कोई भी दे सकता है, मिट्टी तेल से भी चला सकते हैं, डीजल से भी गाड़ी चलता है, बस डीजल इंजन होना चाहिए। तो चलाने का फ्यूल को मत देख, वो पावर है, लेकिन क्या देख, कई बार इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है, कई बार डायरेक्ट चालू करके भी बैटरी चालू करे तब भी चलेगा। What kind of power? Well, that can be from Satan, that can be from God. Anyone in the church who is coming with by telling the name of prophecy and powers and other things, he may be fake. I am not telling everyone. At the same time, we also can be fake. We know the word of God, but we are not understanding the subject, what God says. आपका सबसे पहला ताकत क्या है? जैसी पवित्र आत्मा लो बोला, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, तुम क्षमा करोगे, वे उनके लिए क्षमा किए जाए। काम करने वाला वो है। अगर तुम बोल देते हो प्रभु इसके पाप क्षमा कर प्रभु, बस खत्म, उसके क्षमा किए जाएंगे। इसीलिए कभी कभी तुम्हारे पास आने से चीजें बनती हैं। इसीलिए कहा तुमको, यू शुड नो द अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट दैट यू हैव रिसीव्ड। तुमने अगर कह दिया परमेश्वर से, दैट इज रिलेशनल। अभिषेक रिलेशनल है, अभिषेक परमेश्वर का दिया हुआ वो टारगेट है। अभिषेक वो नहीं जो उतरता है, अभिषेक वो जो दिया जाता है। एक व्यक्ति किसी को अभिषेक किसी समय में कर सकता है, लेकिन नॉट इन ए फेक एंड अनवॉन्टेड वे, कुछ भी तरीके से नहीं। एक व्यक्ति को परमिशन, अगर किसी पवित्र पौलुस के द्वारा से किसी को अभिषेक के बारे में बात कर रहा है, कि परमेश्वर बोलता है कि तुझे परमेश्वर ने चुना है और वो सच्चा है, तो वो उसके काम के लिए उसको, लेकिन जैसे अभिषेक आएगा उसके बाद परेशानी आएगी। ये भी समझा दो, ये भी बता दो, तुम्हारे विरोध में संसार खड़ा हो जाएगा, संसार की आत्मा खड़ी हो जाएगी, लोग विद्रोह करेंगे, घर वाले विद्रोह करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें की जाएगी, उल्टी सीधी बातें बोली जाएगी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा किया जाएगा, और लेकिन परमेश्वर तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम जिसके पाप को, इसके रख करके किसी को धमकाना नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल बट अकॉर्डिंग टू His will। यहां पर जांचा जाएगा क्या तुम आत्मा में चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारा बात पूरा नहीं होगा। शैतान के द्वार से बोली गई बातें पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे द्वार से बोली गई बातें पूरी नहीं होंगी। ऐसा हो जाएगा बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सो पावरफुल, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सो पावरफुल एंड ही इज रिलेशनल, रिलेशनल। तो यहां पर मैं खत्म करना चाहूंगा इस टॉपिक को यहां, लेकिन इसमें मेरे को चार सब्जेक्ट और बोलना, हो सकता है अगली बार मैं बोल जाऊं, मेरे को पता नहीं, लेकिन अब टाइम हो गया है। तो याद रखिएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड टर्म्स, सनातन वाली बातों को इधर ना घुसाएं, अभिषेक को गलत ना समझें, गलत अभिषेक को गलत चीजों में ना मिलाएं। जब कलीसिया में लोग आते हैं और सामर्थ्य के काम करते हैं, तो उसको परमेश्वर के जन ना समझने लगें। और तुम्हारा जांचना ये रहे कि क्या ये रिलेशनल है, हैज ही व्हाट एवर ही स्पीक्स, इज इट बाय द अथॉरिटी ही हैज, डस ही हैव द अथॉरिटी। क्या वो चिल्ला के बोलने से अथॉरिटी नहीं होता? मैंने कई भविष्यवाणी ऐसे की है, हो जाए, हाँ हो गया, जाओ, ऐसा हुआ, ऐसा बस इतनी आवाज, इन द नेम ऑफ जीसस लेट इट हैपन, ऐसा करके बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभिषिक्त है, अगर आप वो जो रिलेशनल वाला है, तो आप बोलेंगे परमेश्वर सुनेगा, बस इतना ही है, परमेश्वर जाने।